नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा और फटाफट अंदाज में खबरें लेकर हम हाजिर हैं। ये है आज देश की बड़ी खबरें। असम में NRC ड्राफ्ट के मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में इस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है। वहीं राज्यसभा में आज कई और अहम बिल भी पेश होने हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और दक्षिण की राजनीति के मुख्य स्तंभों में से एक M. करुणानिधि बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी आज उनसे मिलने चेन्नई जाने वाले हैं। कावेरी अस्पताल में भर्ती करुणानिधि का हालचाल जानने के लिए तमाम दिग्गज उनके यहां पहुंच रहे हैं। मराठा आरक्षण की आग से महाराष्ट्र सुलग रहा है। कई हिस्सों में आगजनी, सड़क जाम, पुलिस पर हमले और बंद की घटनाएं भी सामने आई हैं। एक व्यक्ति ने ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या भी कर ली है। पुणे में प्रदर्शनकारियों ने 100 से अधिक वाहन फूंक दिए हैं। शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ लंदन में चल रहे केस की सुनवाई का आज अहम दिन है। लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट मंगलवार को इस मामले में फैसले की तारीख का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि माल्या खुद कोर्ट में पेश होंगे। चीन की सरकार ने डोकलाम में कथित रूप से भारतीय सेना के अतिक्रमण से निपटने को साल 2017 की अपनी 6 बड़ी कूटनीतियों में उपलब्धियों के तौर पर गिनवाया है। चीन के विदेश मंत्रालय के नीति नियोजित विभाग द्वारा प्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड चीन के विदेशी मामले 2018 में साल 2017 के दौरान चीन की कूटनीतिक कदमों की आधिकारिक समीक्षा को प्रकाशित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर 5वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने इस बार अपने भाषण को लेकर देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार की सुबह ट्वीट किया और कहा कि 15 अगस्त के भाषण को लेकर आपके क्या विचार और आइडिया हैं, उन्हें मेरे साथ खासतौर पर बने मेरे फोरम नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा करें। राज्यसभा सांसद अमर सिंह को अपने बयानों से सुर्खियों में रहना बखूबी आता है। समाजवादी पार्टी के नेता रह चुके और मुलायम सिंह के दोस्त अमर सिंह इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ को लेकर चर्चा में हैं। सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजी तौर पर बहुत पसंद करता हूं, उनमें गजब की नेतृत्व क्षमता है। 16 महीने की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरशाही को सुधारने के लिए कई बार नसीहत और चेतावनी दी है। अब सीएम योगी ने दागी अफसरों के खिलाफ लंबित मामलों की फाइलें तलब कर ली हैं। इसे लेकर उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है। इसमें 100 से ज्यादा IAS, IPS, PCS और PPS अफसरों के मामले शामिल हैं। आईफा अवार्ड्स के मंच पर दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी को सम्मान दिया गया। इस सम्मान के बाद बोनी कपूर की आंखें नम नजर आईं। बोनी कपूर को देखकर उनके बेटे अर्जुन कपूर की भी आंखें नम दिखीं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गायक मीका सिंह के घर पर चोरी की खबर है। तकरीबन 3 लाख रुपए की चोरी मीका के घर से हुई है। मीका ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है। चोर उनके घर से तकरीबन 3 लाख रुपए का सामान लेकर भागे हैं, जिसमें 2 लाख की गोल्ड ज्वेलरी भी शामिल है।